side. So from the last item, the left. विक्रम सर थोड़ा सा लेफ्ट विक्रम सर सेंटर सर विक्रम सही है सर सेंटर में विक्रम सही हो गया खड़े रहो सर सर वीडियो क्या यहां पे माइक तो इधर हमारे रिपोर्टर लापता है वो कहां रिपोर्टर है पकड़ो नहीं सर पकड़ लो ना क्या है इट्स ओके कहाँ है रिपोर्टर ने अरे बट क्या बोलूँ कोई तो पूछेगा ना मेरे को तो आस्क हिम समथिंग हाँ तो रिपोर्टर आने दो ना फिर कर लेंगे ना कहाँ है वो रिपोर्टर किधर है मूवी देख रहे मूवी शुरू नहीं हो रहा है आने देना मैं इधर ही हूँ I think you better bring your reporters out. Vikram sir, बहुत एक्साइटेड है विक्रम मोटवानी और राजकुमार राव जब फिल्म बनाते हैं तो कुछ एक्साइटिंग ही होगा सो आई एम वेरी एक्साइटेड जी जी बहुत बहुत यू नो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक कमरा है एक एक्टर है और उसमें एक फिल्म मेकर क्या क्या कर सकता है और कैसे आपका ध्यान रख सकता है फॉर द होल फिल्म ये मैं देखना चाहूँगी सो आई एम वेरी इंटरेस्टिंग राजकुमार राव फिल्म में एक्टर ही वही और वो बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर कॉन्सेप्ट बहुत अलग है हाँ जी सॉरी बहुत अलग है एंड यहाँ तो आई एम नॉट श्योर यहाँ बहुत पहले इत्तेफाक एक फिल्म बनी थी जिसमें एक घर में पूरी कहानी थी लेकिन ऐसी फिल्म की एक अपार्टमेंट में बनी हो और एक आदमी ट्रैप्ड हो इज वेरी इंटरेस्टिंग सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट विनोद के साथ थैंक यू क्या हुआ
लाइव मत पूछेगा अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अगर किसी ने बुरा बोला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, सो बाद में पूछेंगे। जी हमारी कोशिश रहेगी, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिल रहा है कि हमारी फिल्म को इतना अप्रिशिएट किया गया है, सो आई होप हमारे को तीसरा बनाने का मौका मिले। हमारी हम चाहते हैं, पर क्या होगा और कब होगा अभी तक वो डिसाइडेड नहीं। सर आई थिंक ओवरऑल एक एंटरटेनिंग तरीके से हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है फिल्म में, तो जितने भी मैसेजेस आए हैं लोगों के आए हैं, उन्होंने उस मैसेज की सराहना की है, उन्होंने कहा है कि मस्ती करते हुए कमर्शियल एंटरटेनमेंट देते हुए भी आपने एक मैसेज कम्युनिकेट किया है, तो आई थिंक वही सबसे बड़ा प्लस रहा है, नॉट जस्ट सम ऑफ द रिव्यूअर्स जो बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ हैं और जो आम आदमी भी है, सब ने वो कहा है, एंड फॉर मी एज अ राइटर डायरेक्टर दैट्स बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैं अभी कह रहा था कि हम चाहेंगे हम बनाएं, कब होगा कैसे होगा अभी पता नहीं है, अभी इट्स टू अर्ली, अभी हम अभी तक हम सिर्फ अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया की जर्नी को अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, पर आई एम श्योर वील बी एबल टू कम अप विद समथिंग सून। जी सर इच्छा तो सबके साथ काम करने का है, पर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि पहले मैं एक स्क्रिप्ट लिखना चाहूँगा और फिर उस स्क्रिप्ट में जो मुझे बेस्ट सूटेबल लगे मैं उनको अप्रोच करना चाहूँगा, एंड अगर वो हाँ बोलेंगे तो दैट विल बी गुड। नाम लेने के लिए तो मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, बहुत नाम है, मतलब आप सब जानते हैं, पर मैं ऐसे ही कोई नहीं, क्योंकि अगर मैंने आज बोल दिया कि मैं आमिर खान के साथ काम करना हूँ वो सबसे पहले मुझे बोलेंगे स्क्रिप्ट दो, और वो स्क्रिप्ट मेरे पास है नहीं, सो मैं चाहूँगा कि मैं पहले कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखूं और उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे किसी एक्टर को अप्रोच करूं। ऐप की अगर मैं बात करूं, ऐप के टेलर टेलर देखा होगा। जी 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 मुझे ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग लगा, बहुत चैलेंजिंग लगा मुझे, एज अ राइटर डायरेक्टर मैं देख रहा हूँ, मैं विक्रमादित्य मोटवानी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके काम को फॉलो करते आया हूँ, उड़ान जब मैंने देखी थी, लुटेरा जब मैंने देखी थी, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में बनाते हैं, तो मुझे यही देखना था कि एक आदमी एक कमरा, हाउ इज़ ही गोइंग टू पुल इट ऑफ, बहुत एक्साइटिंग आइडिया है, एंड आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव दैट वो कुछ अच्छा ही करेंगे। हाँ जी, आई थिंक हम सब अभी इतना थक गए हैं कि हमारी सेलिब्रेशन फ़ोन पे ही हो रही है, तो ऐसा कोई अभी मुझे सेलिब्रेशन का प्लान जी बहुत जल्द आप सबको पता चलने वाला है, बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं, पर हम ये भी थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़े और लोग पहले फिल्म देखें एंड देन वील डू इट, बट हाँ बहुत जल्द आई थिंक हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मैं उसको फ़ोन पे पर्सनली तो दूंगा, बट आलिया भट्ट, आलिया आई लव यू सो मच, यू आर दी ओनली एक्टर एक्ट्रेस आई वर्क विद सो फार, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड आई होप दिस ईयर इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। I've read a lot about the film and I'm very thrilled.
लोगों ने देखी है फिल्म एंड बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, सो आई कांट वेट टू चेक गुड फिल्म्स लाइक दिस शुड बी एंटर. लाइक आई सेड ऑलवेज ऑडियंस के लिए बनाते हैं, तो अगर ऑडियंस को पसंद आई और जो लोग मुझे मिल रहे हैं वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, उनको मेरी वो एक्सेंट पसंद आई, आई एम रियली हैप्पी. सॉरी, सबकी परफॉर्मेंस के लिए आई थिंक अ फिल्म में ऑल द परफॉर्मेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स अ फिल्म अ रियली गुड फिल्म. सो एवरीवन्स परफॉर्मेंस. लाइक आई सेड, मैंने रिस्की कैरेक्टर चूज़ किया था कमांडो में. काफ़ी रिस्की है एक हीरोइन को ऐसे बात करना और काफ़ी वियर्ड अजीब हीरोइन है, तो आई थिंक व्हेन ऑडियंस लाइक दैट एंड पीपल एक्सेप्टेड, फर्स्टली आई एम वेरी थ्रिल्ड दैट दे एक्सेप्टेड इट. एंड जब भी उनको वो लोग बार बार देखते हैं फिल्म, तो इट मेक्स इट इवन बेटर फॉर अस. या आई डिड, आई थिंक बहुत रियल है, बहुत ही रियल रियल लगा. कौन से एक्टर को अच्छा खाना बनाने आता है? I don't know, किसी को भी. I don't want to be trapped in a room. He can cook well. Really? Okay. अच्छा, he's master chef. Done. I guess. क्या कैसे रहे? होली कैसे रही? होली बहुत अच्छी रही. आई डिडंट रियली प्ले, आई वाज इन द फ्लाइट गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम समवेयर, बट आई थिंक दिस ईयर इज, आई मीन होली इज ऑलवेज टू बी सेलिब्रेटेड विद कलर, इट्स रियली नाइस दैट दिस ईयर पीपल आर यूजिंग इको फ्रेंडली कलर्स एंड ऑर्गेनिक कलर्स. हाँ, मैं छोटी थी तो किसी ने मेरे बाल पे, मैं खेल रही थी तो मैंने बाल पे ऐसे ऐसे किया था और मेरे बालों का एक चंक निकल गया हाथ में, एंड आई रियलाइज कि किसी ने हेयर रिमूवल क्रीम डाला था, तो आई हैड अ मोहॉक ऑन माय हेड फॉर 3 इयर्स. बहुत सारी चीज़ों में देखी, बट आई थिंक यू विल वेट फॉर. हाँ, बहुत कुछ है, बट आई थिंक लेट इट स्टार्ट. जैसे कमांडो में हम लोग ने प्लीज के टाइम पे बात किया, सो आई विल वेट. So I can get some stuff.
तो जैसे गुलशन ने वहाँ भी कहा कि अच्छे एक्टर्स का काम देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग होता है. तो इसलिए इनफैक्ट मैं अभी अभी वापस आई हूँ एक बहुत ही बड़ी छुट्टी से, एंड मेरा बिल्कुल भी मन था कोई और भी मूवी होती तो मैं नहीं जाती, लेकिन मुझे पता है कि इसकी परफॉर्मेंस इतना पागल कर देने वाली है हम लोगों को. सो आई हैड टू बी हर. आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ऐसी मूवीज़ कम ही बनती हैं, एंड आई थिंक इट्स एन एक्टर्स ड्रीम कि अगर आप ही हो पूरी फिल्म में. It's a lot of pressure, obviously, but it's also it's very fulfilling. I think मैं राजकुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ पहले से, और मैं अच्छे एक्टरों को देख के चोरी करता हूँ उनका काम, कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं. राजकुमार से काफ़ी सारे आइडियाज़ मैंने चोरी किए हुए हैं, बट आई एडमायर हिम. आई थिंक जितने भी यंग एक्टर्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन कलाकार राजकुमार है. तो ये मेरी ओपिनियन नहीं बट बल्कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, आई थिंक ही इज द बेस्ट अमंग ऑल द यंग एक्टर्स. वो मैं शेविंग करते हुए गिर गया. रियली? नहीं, स्कीइंग कर रहा था मैं, स्कीइंग छुट्टी पे गया था, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गई. आई थिंक मैं एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर्स के साथ होना पसंद करूँगी क्योंकि वो फिर एक फिल्म बन जाएगी. एक्टर फिर हम लोग एक्टिंग कर रहे होंगे, अगर डायरेक्टर होगा तो मैं तो सिर्फ मेरे ख्यालों के साथ ट्रैप्ड होना चाहता हूँ अकेला. नहीं मतलब वो जो मन में बन जाएगा ना, बहुत सारे फीमेल एक्टर्स किसी एक के साथ क्यों फंसे भाई. वैसे तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं. हाँ जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं. अभी मेरी एक फिल्म अनाउंस हुई है, रिलीज होने वाली है डाव मराठी में, जो हिंदी में हादसा करके उसका टाइटल है. वो अनाउंस करेंगे जल्दी ही डेट. अभी एक एक करके सारी बातें पता चलेंगी, तो वेरी सून देयर विल बी सम अनाउंसमेंट. मुझे ट्रैप का ट्रेलर बहुत पसंद आया. राजकुमार राव मेरे सबसे मतलब पसंदीदा एक्टर्स में से एक है. विक्रम सर का मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ. आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैप. सॉरी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने खुद मैसेज करके अपने आप को बुलवाया कि अगर कोई स्क्रीनिंग है तो प्लीज़ मुझे बुला लो, मैं देखना चाहता हूँ फिल्म. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और मैंने अभी हाल ही में न्यूज़ पढ़ी कि थिएटर्स में ट्रैप में इंटरवल नहीं होगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट न्यूज़ कि बहुत अच्छा है. आई थिंक मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा, एंड आई थिंक ये फिल्म देखकर बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे दिमाग में कि क्या क्या कर सकते हैं अगर आप ट्रैप हो जाए. हालांकि मैं कभी होना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैंने ट्रेलर में देखा है कि वो ग्रिल पे खटखटा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कॉकरोच खा रहे हैं, तो वैसे ट्रैप में नहीं कभी होना चाहूँगा. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. थैंक यू. किस फीमेल एक्टर के साथ मैं होना चाहूँगा? मैं एक्चुअली होना चाहूँगा राजकुमार राव के साथ, क्योंकि उनके पास अब सारे आइडिया हैं कि वहाँ से कैसे निकलना है. देखो, जिससे प्यार हो उससे उसके साथ ट्रैप करना ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू. Thank you.
आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ट्रैप. मैंने अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखा है और बहुत ही बेहतरीन, एकदम बढ़िया लग रहा है. बहुत ही सस्पेंसफुल, एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ थ्रिलर की तरह लग रहा है. और मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ विक्रमादित्य मोटवानी का, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. आई थिंक इट्स गोना बी रियली टॉप नॉच एंड अमेजिंग. मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इतना सारा प्यार आप लोगों से मिला है. बहुत ही कमाल की बात है. मैं बहुत खुश हूँ इस बात से. थैंक यू सर. Excited to watch Trapped. I've been hearing a lot about it. I think they've done a fantastic job, promoting the film, and it looks really interesting. It's one of those genre films which will just suck you right into it. नहीं मतलब ऐसे तो सोच भी नहीं सकते ना आजकल. Without a phone, क्या करेंगे? Trapped in a building. I mean, it's actually, it seems really unbelievable that this kind of thing could happen. So I'm excited to see how we're going to go into that horror. Thank you. I believe Rajkumar Rao has done a fantastic job, and I'm really excited to watch his performance. I mean, he's one of the best actors we have, and I'm really looking forward to it. It's starting, no? Yes. You guys not seen? कितना excited है और क्या क्या लोग आ रहे हैं, जैसे कि आपकी फिल्म देखी है, सब लोग आ चुके हैं, तो और क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं? नहीं अभी तो शुरू हुई है तो अभी तो रिस्पॉन्स था. जैसे कि काफी फिल्म फेस्टिवल में चल चुकी है तो वहां से क्या काफी नहीं एक ही फिल्म में चल चुकी है. मम्मी ये देखिए रिस्पॉन्स पिक्चर सुपर हिट. नहीं रिस्पॉन्स तो जो मम्मी में आई थी रिस्पॉन्स वो तो बहुत अच्छी थी. तो मतलब आशा तो यही है ना, होप तो यही है कि मतलब रिस्पॉन्स अच्छी होगी. अभी देखेंगे, 100 मिनट बाद देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स होती है. लोग गाली देते हैं कि मतलब गाली देते हैं. ओके काफी अलग सा ही कांसेप्ट है फिल्म का, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा शेयर. कॉन्सेप्ट है कि ये आइडिया अमित जोशी है, मतलब यहीं पे खड़े अंदर शायद बैठे हैं, वहाँ पर राइटर पिक्चर के राइटर हैं. तो आइडिया उनका है. तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो लगा था यार कि क्या कमाल का आइडिया है यार, कि आदमी ऐसे अपार्टमेंट रखा हुआ है मतलब काफ़ी दिन के लिए. तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी. तो मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ तो मैं सोचा कि मैं ही बनाऊंगा पिक्चर, किसी को दूंगा. ओके आपने कभी सोचा है कि अगर आपके साथ में अगर ऐसा हो तो आप किस तरीके से बचेंगे? मुझे पता नहीं है. मैं तो वैसे पिक्चर में डाला मैंने कि चूहा है, मैं तो चूहे से बहुत डरता हूँ. तो पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा अंदर, कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा बिना पानी के बिना खाने के. तो मुश्किल. थैंक यू वेरी मच.
Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofsinema.